Hello everyone, this is Professor Shahida Bawa and today we'll cover the topic which is most important, Dagmar model. What is Dagmar model? See, as the name suggests, Dagmar means defining advertising goals for measured advertising results. Okay, यहां पर what is Dagmar is defining advertising goals. मेरा goal क्या है, मैं advertising क्यों कर रही हूँ, what is my main objective behind advertising. This is defining advertising goals. And why am I doing so? To make the people aware about my products. Okay? अगर तो मैंने लोगों को aware कर दिया about my products, तो मैं आराम से measure कर सकती हूँ कि मेरे target audience को, जहाँ पर मैंने बताया था ये particular media के through, for example newspaper के through, कि ये particular brand जो है वो market में आ चुका है, कितने लोग गुण ने रेस्पॉन्ड किया, हम उसे क्या कहते हैं, डेगमार. तो व्हाट एम आई डूइंग, आई एम डिफाइनिंग माय एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर द एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स. क्लियर? तो डेगमार इज एन एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन अप्रोच फॉर सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स एस आई सेड एंड मेजरिंग द रिजल्ट्स ऑफ अ कैंपेन अगेंस्ट सच ऑब्जेक्टिव. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है एंड उसके बाद मैं मेजर करूंगी द रिजल्ट्स जो मुझे मिलेगा. दिस इज डेगमार. ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन टास्क. सी द फोर मेन स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन का फर्स्ट इज अवेयरनेस. व्हाई एम आई डूइंग एडवर्टाइजिंग, ताकि जो भी मेरे पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस है उन्हें मैं अवेयर कर सकूं अबाउट माय प्रोडक्ट. सो आई विल से अवेयरनेस इज द फर्स्ट प्रोसेस. सेकेंड इज कॉम्प्रीहेंसिव. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्प्रीहेंशन, दिस इज टू मेक द टारगेट ऑडियंस अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट. ओके, नेक्स्ट इज कन्विक्शन. कन्विक्शन का मतलब होता है मेंटली प्रिपेयर करना अपने पर्टिकुलर बायर को कि वो हमारा सामान खरीद सके. एंड देन द लास्ट इज एक्शन, वेर इन वी आर इंड्यूसिंग द टारगेट कस्टमर्स टू बाय द एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट. है ना? तो कम्युनिकेशन हम क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम उन्हें अवेयर करने के लिए कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है. वी आर मेकिंग देम अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट. वी आर मेकिंग देम प्रिपेयर टू बाय द प्रोडक्ट, दैट इज कन्विक्शन. अगर हमने ये सब कुछ कर दिया तो फाइनली हमारा एक्शन क्या होगा, टू इंड्यूस द टारगेट कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट. क्लियर? व्हाट इज कम्युनिकेशन टास्क, व्हाट इज डेगमार. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है. सबसे पहले क्या है, कॉन्क्रीट मेजरेबल ऑब्जेक्टिव. जो हमने कम्युनिकेट किया है, क्या वो हमारे टारगेट ऑडियंस तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, सबसे पहले वो होगा. है ना? तो यहाँ इससे क्या होगा, हमें सिस्टमेटिक फीडबैक मिलेगा फ्रॉम द टारगेट कस्टमर्स. ओके, तो कॉन्क्रीट मेजरेबल ऑब्जेक्टिव, हमने जो कम्युनिकेशन किया है वो बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, जो कि मेजरेबल होना चाहिए, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए. नेक्स्ट इज टारगेट ऑडियंस. हमारा भाई टारगेट ऑडियंस है कौन, है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किंडर जॉय का एग्जाम्पल लिया तो मेरा टारगेट ऑडियंस कौन होंगे, किड्स होंगे ना. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर गोना एनालाइज द बेसिस ऑफ मार्केट. अगर मैंने मार्केट सेगमेंटेशन की बात किया तो मुझे किस तरीके से करना है, मुझे डेमोग्राफिक का ध्यान देना है, मुझे सोशियोग्राफी का ध्यान देना है, मुझे साइकोलॉजी का ध्यान देना है, है ना? तो ये सब कुछ मुझे ध्यान देना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन माय टारगेट ऑडियंस. क्लियर? क्लियर एवरीवन?
नेक्स्ट इज बेंचमार्क एंड डिग्री ऑफ चेंज एक्सपेक्टेड. सी देयर मस्ट बी अ बेंचमार्क टू असेस द सक्सेस ऑफ द एड कैंपेन. फॉर एग्जांपल सी द बेंचमार्क मे बी इंक्रीज द प्रोडक्ट अवेयरनेस फ्रॉम द करंट 40% टू 90%. है ना, अब मैंने अपना एक बेंचमार्क बनाया है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो इतने इतने कस्टमर्स तक पहुंचना चाहिए. दे मस्ट नो अबाउट द प्रोडक्ट. तो मैंने ये क्या किया, ये मैंने नॉर्मल बेंचमार्क बनाया. अब किसके थ्रू पता चलेगा, चलो भाई आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा सोशल यू नो यूज टू है, तो सोशल ऐप पर इंस्टाग्राम, ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, ओके. तो ये सब कुछ क्या हो सकता है, ये सब कुछ मेरा बेंचमार्क हो सकता है. ओके, अगर मैंने प्रोडक्ट सीनियर सिटीजन के लिए बनाया है, बच्चों के लिए बनाया है, तो दे आर यूज टू यू नो टीवी, फिर न्यूज़पेपर्स. तो ये सब कुछ क्या है, ये मेरा बेंचमार्क है. मैं अपने टारगेट ऑडियंस को किस तरीके से असेस कर सकती हूँ कि हमारा जो एड कैंपेन है वो कहाँ कहाँ सक्सेसफुल हो सकता है. ओके, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक टाइम पीरियड. सी देयर इज ऑल्सो अ नीड टू स्पेसिफाई द टाइम. ऐसा नहीं कि भाई चलता जाए, है ना, हमने प्रोडक्ट एडवर्टाइज डाल दिया है, ठीक है, साल हो गया है, डेढ़ साल हो गया है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, तो भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना, स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए. सो देयर इज ऑल्सो नीड टू स्पेसिफाई द टाइम पीरियड विद इन विच द ऑब्जेक्टिव्स हैज टू बी अचीव्ड. इट कैन बी यू नो फ्यू मंथ्स टू अ ईयर और मोर, है ना, पर यहाँ पे क्या होना चाहिए कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पर एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले भाई तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट में है एंड दे कैन कम एंड बाय द प्रोडक्ट. ओके, सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव. वॉट आर वी डूइंग, वी आर मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट, है ना, वी आर मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट, तो क्रिएट अवेयरनेस. ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द ब्रांड. और अवेयरनेस कब होगा, इंट्रोडक्शन स्टेज पे तो भाई होना चाहिए. नेक्स्ट इज टू बिल्ड और री इन्फोर्स एटीट्यूड. है ना, सी एड्स नीड टू क्रिएट, मेंटेन एंड री इन्फोर्स एटीट्यूड्स इन द माइंड ऑफ द टारगेट ऑडियंस. इट शुड ऑलवेज बी नो फेवरेबल एटीट्यूड टूवर्ड्स द ब्रांड. पॉजिटिव एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट. अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो ही भाई तुम्हारा सेल्स बढ़ेगा, नेगेटिव एटीट्यूड आ गया तो गए फिर, है ना. तो बिल्ड और री इन्फोर्स एटीट्यूड होना चाहिए. नेक्स्ट इज टू डेवलप ब्रांड इमेज. है ना, जो तुम्हारा प्रोडक्ट है उसका ब्रांड इमेज होना चाहिए मार्केट में. क्यों, क्योंकि फिर ही जाके तो लोग तुम्हारा सामान खरीदेंगे ना, ठीक है. तो ब्रांड इमेज अगर अच्छा है, पॉजिटिव एटीट्यूड, सी अगर तुमने लोगों को अवेयर किया, अवेयरनेस से पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, अगर पॉजिटिव हुआ तो ब्रांड इमेज होगा, अगर ब्रांड इमेज हुआ तो कस्टमर्स विल बी लॉयल टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट. क्लियर, ठीक है. तो व्हाट इज डेगमार, आज हमने पढ़ा डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स. ओके, फिर हमने कम्युनिकेशन टास्क पढ़ा जो कि फोर इम्पॉर्टेंट स्टेप्स के थ्रू था, अवेयरनेस, कॉम्प्रीहेंशन, कन्विक्शन, जहाँ पर हम मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं लोगों को, एंड देन एक्शन इज वी आर इंड्यूसिंग द कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट. ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एंड देन यू हैड कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स. होप ये जो टॉपिक था डेगमार मॉडल वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड प्लीज़ कॉमेंट. Thank you.